भारतीय समाज निर्माण संघ के महासचिव आज हमारे साथ मौजूद हैं वीर सिंह जी, जो हमेशा बहुजनों की बात को उठाते रहते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। वीर सिंह जी, अधिकतर आपके मंचों से देखने में आता है कि आप बुद्ध की बात भी करते हैं, तो बुद्ध की बात क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है दलितों का, बहुजनों का और खासतौर से वाल्मीकि समाज का बुद्ध के प्रति जुड़ना, और बुद्ध के प्रति क्यों होना चाहिए, अगर सीधे सीधे कहें कि चमारों को या दलितों को या शूद्रों को बुद्ध का फॉलोवर, वो बताएं। हाँ, दरअसल बुद्धा जो है वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में परिवर्तन का करने वाला, पहली विचारधारा देने वाला एक सबसे बड़ी हस्ती है बुद्धा, जिसको दुनिया मानती है और जिसकी विचारधारा को समझ के दुनिया में परिवर्तन, और परिवर्तन भी वो जो सुख संपन्नता और शांति लाने वाला हो, हथियारों वाला नहीं, लड़ाई वाला नहीं, तो वो उसकी विचारधारा है। और क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धा का धर्म बहुजन समाज में फैलने में जो देरी हो रही है, उसका ब्राह्मणवाद ने उसको भी एक धर्म कह के वो प्रचारित कर दिया है, और क्योंकि लोगों में बैठाया हुआ है भाग भगवान देवी देवता के बारे में, और ये प्रचारित कर दिया गया है कि बुद्धा का धर्म, बुद्धा का धम्म, बुद्धा का विचार तो भगवान के विरुद्ध है, इसलिए आदमी बहुजन समाज डरता है कि वो कहीं हमारा भगवान ना छुटा दे, इसलिए वो सुनने के लिए भी नहीं आ रहा। मगर जो आ गया और जो आ रहा है, और फिर ये बताने और समझाने वाले पर डिपेंड करता है वो किस तरह से वो बात बुद्धा की समझाते हैं, जिस तरह तथागत खुद एक छोटी छोटी सिंपल कहानियों में समझाते थे, उस तरह से अगर समझा दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ लोग बुद्धिस्ट बनने में या अवेकन होने में या मिलने में देरी नहीं लगेगी। जी, इतनी खूबसूरती से और इतनी सरलता से वीर सिंह जी ने बताया है कि अगर बुद्ध के पद पे चलेंगे, क्योंकि आज जितनी भी अधिकतर विकसित कंट्रीज हैं उनमें बुद्ध का प्रचलन है और बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चलते हैं वो लोग, और बुद्ध की चीज़ों पर चल कर आप सत्य पर चलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कभी आडम्बर बात को सार्थक नहीं बताया, बुद्ध ने कभी आडम्बरवाद की बात नहीं करी है, और ये जो हमारा भारत है ये आडम्बरवाद की बात ही करता है, सिर्फ इसमें फंसा के रखना चाहता है ताकि लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास ना हो सके। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।